मस्त। इसमें दाल है मूंग का, अरहर का, मसूर का और ग्रीन मूंग है इसमें। आप जितना और चना की दाल है, आप चाहे आपके पास जितना दाल हो मिला सकते हैं। राजमा भी थोड़ा सा मिला देंगे। इसको मैंने मिला के सारे दाल को धो लिए अच्छे से। अब देखें, और साथ में इधर मसाला है, प्याज है, एक प्याज है, लहसुन, हरी मिर्च, तेज पत्ता, अदरक के कुछ टुकड़े और ये धनिया पत्ता है और जीरा और एक टमाटर को बारीक काट लिए हैं। तो सबसे पहले तो ये कुकर गर्म हो गया है, इसमें सरसों के थोड़ा सा तेल डाल रहे हैं। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे क्योंकि ये सरसों का तेल है। आप चाहे तो सिर्फ दाल को हल्का सा फ्राई करके और उबाल सकते हैं, बाद में तड़का लगाएं, लेकिन मैं इसमें साथ में ही डालती हूँ। तो सबसे पहले इसमें जीरा डालेंगे, जीरा हो गया, साथ में दो तेज पत्ता था ये डालेंगे, अब प्याज को डाल देंगे। इसको हल्का सा भूनेंगे, हल्का ये ब्राउन हो गया, इसको तो ये हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसी में जो अदरक लहसुन का दरदरा सा पेस्ट है, पेस्ट नहीं है ये मसाला, इसको इसी में डाल के एक मिनट रोस्ट कर लेंगे। तो प्याज हल्का ब्राउन हो गया है, अब साथ में इसमें मसाला डाल देंगे। तो सबसे पहले टमाटर डाल दे रहे हैं, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, मिर्ची, मिर्ची अपने अनुसार डालें, आपको तीखा पसंद है या। टमाटर और मसाला हल्का भूज गया क्योंकि कुकर में, इसलिए ये हो गया। अब इसमें जो दाल धो के रखे थे इसी में इसको डाल देंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे, नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें, आप कम खाते हैं या ज्यादा। मैं इसमें दो चम्मच नमक डाल रही हूँ। तो ये हो गया, इसमें पानी डाल दे रहे हैं, पानी अपने अनुसार डालें, आप पतला खाते हैं, थोड़ा थिक खाते हैं। मैं पानी थोड़ा सा और डालूंगी इसमें। ये दो अदरक और लहसुन पीसे थे इसी में मिला के डाल दिए थोड़ा सा। अब इसको बंद कर देंगे, कुकर को बंद करके तीन सीटी लगा देंगे। तीन सीटी में ही दाल गल जाता है, तो मैं तीन सीटी। तो दाल बन के तैयार है, इसमें अब धनिया मिला देंगे। तो दाल बन के तैयार है, अब देख सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।